नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम लोग 21 तारीख की ग्रह स्थिति देखते हैं। बिल्कुल 20 तारीख की ग्रह स्थिति की ही तरह है। चंद्रमा अभी भी मेष राशि में है, सूर्य बुध शुक्र वृषभ राशि में है, राहु मिथुन राशि में है, केतु धनु राशि में, शनि और बृहस्पति मकर राशि में और मंगल कुंभ राशि में बने हुए। ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। सब लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कुछ राशियों को छोड़ करके लगभग सारी राशियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मतलब तीन ग्रह वक्री हैं और कुछ जो चंद्रमा जिनके अष्टम भाव में होंगे वो, तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि लगभग 7 राशियां अच्छी स्थिति में नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस समय बहुत वीक है इन 7 राशियों। और कुछ लग्नेश के कमजोर होने के वजह से, तो पूरा सबको लगभग ध्यान रखना है। मैं राशिफल बताता हूं आपको। मेष राशि, स्वास्थ्य प्रेम व्यापार तीनों की स्थिति अच्छी है, बस मानसिक चंचलता पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी स्थिति आपकी ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। दिमागी तौर पे आप इधर उधर ऐसे वैसे सोचते रहेंगे बस, लेकिन ऊर्जा आप में रहेगी और बहुत अच्छे चल रहे हैं इन दिनों। ईश्वर के आशीर्वाद से चलते रहेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। वृषभ राशि, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी काल्पनिक भय से परेशान रहेंगे और व्यवसायिक तौर पर भी मध्यम है, तो बहुत बच के पार करें और शनि देव को मानसिक रूप से प्रणाम करते रहे। मिथुन राशि, मिथुन राशि की स्थिति मध्यम है, शारीरिक स्थिति कमजोर है, व्यवसायिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, प्रेम की स्थिति भी थोड़ी दूरी बनी रहेगी, तो थोड़ा सा संयमित होकर के चलिए और गणेश जी की वंदना करते रहिए। कर्क राशि, स्वास्थ्य की स्थिति सुधार की तरफ है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से ये अच्छा समय हो सकता है, मानसिक स्थिति सुधर रही है, प्रेम की स्थिति में भी कुछ अच्छी स्थिति दिख रही है, तो कुल मिलाकर के आपकी स्थिति में सुधार दिख रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, परिस्थिति अनुकूल हो रही है, जो आप जिस चीज को लेकर के, शारीरिक स्थिति को लेकर के, मानसिक स्थिति को लेकर के जो परेशान थे उसमें थोड़ा सा सुधार हो चुका है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम पहले से बेहतर, व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं कहा जाएगा। पीली वस्तु पास रखें और सूर्य को जल दें। कन्या राशि, अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल है, बहुत बच के पार करिए। किसी भी तरीके के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से रिस्क मत लीजिएगा। लाल वस्तु का दान करें, हरी वस्तु पास रखें। तुला राशि, जीवन साथी के समीप आएंगे, रोजी रोजगार में थोड़ी सी अच्छी बात दिख रही है, बट स्वास्थ्य बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नहीं है इस समय, तो बच के पार करिएगा। मां काली की आराधना करें, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे लेकिन इनकी एक नहीं चल पाएगी, आपके सामने नतमस्तक होंगे। स्वास्थ्य ठीक है, व्यापार ठीक है और प्रेम की स्थिति नहीं ठीक है, थोड़ा सा तू मैं से बचे, पीली वस्तु पास रखें, अच्छा होगा। धनुराशि, महत्वपूर्ण निर्णय अभी मत लीजिए, थोड़ा सा और विचार कर लीजिए और आज का समय ले लीजिए, कल जैसा होगा वैसा कर लीजिए। स्वास्थ्य मध्यम है, व्यापार भी मध्यम है, पीली वस्तु पास रखें और भगवान विष्णु की आराधना करें। मकर राशि, भूम भवन वाहन की खरीदारी संभव है, घर में कुछ खुशियां आ सकती, लेकिन स्वास्थ्य पे ध्यान देना और प्रेम में तू मैं से बचे, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। लाल वस्तु का दान करें और नीली वस्तु पास रखें। कुंभ राशि, घोर पराक्रमी बने रहेंगे और आप द्वारा किया गया पराक्रम आपको सफलता भी दिलाएगा, लेकिन स्वास्थ्य पे बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, प्रेम की स्थिति आपकी अच्छी है। शनिदेव की आराधना करें, अच्छा होगा। मीन राशि, कुटुंबों से ना उलझें, पूंजी का निवेश ना करें, जो भी रुपया पैसा आ रहा है उसको संचित करें, अभी कहीं मत लगाएं,
स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम की स्थिति ठीक है, लाल वस्तु पास रखें और अच्छा होगा। नमस्कार।